हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। इस वीडियो में हम दो विज्ञापन की बात करेंगे जहां से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, बिल्कुल परमानेंट सरकारी नौकरी रहने वाली है। योग्यता इसमें 12th या फिर ग्रेजुएट पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। साथ में जो है क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो हम नोटिफिकेशन में चेक करेंगे। सैलरी के साथ में इसमें पेंशन की सुविधा भी रहेगी। अब कुछ जो पद का स्वरूप है वो बिल्कुल स्थायी रहेगा, अंशदायी पेंशन युक्त अराजपत्रित, और कुछ जो पद रहेंगे जो कि अस्थायी भी रहने वाले हैं। आयु सीमा 21 से 42 वर्ष है। वेतनमान आपको दिख ही रहा होगा थंबनेल में, अलग अलग पोस्ट हैं, किसी में लेवल 8 के अकॉर्डिंग सैलरी है, किसी में लेवल 5 के अकॉर्डिंग है और किसी में लेवल 3 के अकॉर्डिंग है। जहां लेवल 8 की बात करें तो 47,600 से सैलरी लेकर 1 लाख से भी अधिक रखी गई है। काफ़ी पोस्ट हैं और पोस्ट वाइज जो है वैकेंसी भी अलग अलग है। चलिए देख लेते हैं, बाकी नोटिफिकेशन में देखेंगे। काफ़ी बड़ी PDF फाइल है दोनों ही विज्ञापन की, कौन कौन आवेदन कर सकेंगे सारी चीज़ें जो है आप लोगों को नोटिफिकेशन में ही पढ़ने को मिलेगी। नोटिफिकेशन का लिंक आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप लोग इसे अच्छे तरीके से पढ़ सकें, क्योंकि एक जो PDF फाइल है वो 44 पेजेस की है और दूसरी PDF फाइल जो कि 45 पेजेस की है। वैकेंसी जारी की गई है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा, और इसमें जो है ग्रुप सी की अलग अलग जो है पोस्ट हैं, जैसे अपर निजी सचिव है, व्यक्तिक सहायक, आशुलिपिक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर की सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन, यानी एक एग्जाम और उसके बाद जो है परमानेंट जॉब। दूसरा जो नोटिफिकेशन है जिसमें वैकेंसी अलग अलग इसमें भी पोस्ट है, और ये वैकेंसी भी जो है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जारी की गई है। यहाँ पर पोस्ट देख लें, ये भी ग्रुप सी की सीधी भर्ती है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर सहायक सह स्वागतकर्ता, कनिष्ठ सहायक स्वागती, मैट कार्य पर्यवेक्षक, आवास निरीक्षक। ठीक है, कार्य पर्यवेक्षक और आवास निरीक्षण, इन पदों को जो है अभी हम देखेंगे सबसे स्टार्टिंग में ही। इसमें भी जो है आवेदन की लास्ट डेट जो है 1 नवंबर है। अभी इसमें आवेदन स्टार्ट नहीं हुए हैं, 11/10/2024 से स्टार्ट होंगे, यानी 2 दिन के बाद जो है इसमें आवेदन आप कर सकते हैं जो भी कैंडिडेट आवेदन करने के इच्छुक हैं। और दूसरा जो नोटिफिकेशन था तो उसमें जो है आवेदन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है 17 सितंबर से। लास्ट डेट जो है इसमें 24 सितंबर से स्टार्ट है और 14 अक्टूबर 2024 इसमें लास्ट डेट रहेगी। लिखित परीक्षा की डेट भी जो इसमें डिसाइड है 8 दिसंबर 2024, और दूसरे में डिसाइड है 19 जनवरी 2025। सबसे पहले जो है कार्य पर्यवेक्षक देखें, कुल जो है इसमें 6 पद हैं, कैटेगरी वाइज इनको बांटा गया है। इसमें जो है लेवल 2 के अकॉर्डिंग सैलरी है, 18 से 42 वर्ष तक इसमें उम्र है, ये बिल्कुल परमानेंट है, अराजपत्रित, स्थायी, अंशदायी पेंशन युक्त। इसमें क्या मांग रहे हैं तो केवल ट्वेल्थ आपने किसी भी राज्य से 12th पास किया है या 12th या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अधिमानी अर्हताएं अगर है तो यहाँ पर जो है आपके लिए सही रहेगा, बाकी जो है यहाँ पर अनिवार्य जो योग्यता है वो आपके पास तो होनी ही चाहिए। आवास निरीक्षक का जो पद है 1 है इसमें, और इसमें भी जो है केवल ट्वेल्थ चाहिए। ये जो पद है ये अस्थाई है, अंशदायी पेंशन युक्त, इसमें लेवल 2 के अकॉर्डिंग सैलरी है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कुछ जो है वो बिल्कुल स्थाई पद हैं, कुछ अस्थाई पद हैं। नेक्स्ट देखें आप, मैट का जो पद है जिसमें 268 वैकेंसी है, इसमें लेवल 2 के अकॉर्डिंग सैलरी भी जो है आपकी देख सकते हैं आप, बेसिक पे 19,900 से लेकर 63,200 है। जैसे जैसे आगे हम देखते जाएंगे सैलरी काफ़ी जो है अधिक आपको मिलेगी। आयु सीमा इसमें 1842 है, ये बिल्कुल परमानेंट है। अब एक और बात ध्यान में रखनी है, कहीं पर तो आपको किसी पोस्ट में दिखेगा कि जो अनिवार्य योग्यता है वो आपकी उत्तराखंड से ही जो है आपने 12th पास की हो, या फिर उत्तर प्रदेश से जो है आप 12th पास हों तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और कहीं पर जो है आप किसी भी राज्य के कैंडिडेट हैं, 12th पास करके आए हैं या फिर ग्रेजुएट पास हैं तो आवेदन कर सकते हैं, ये आपको देखना होगा। कनिष्ठ सहायक के जो है इसमें 3 पद हैं और ये जो है अस्थाई है, ये भी आप देख लें अच्छे तरीके से। इसमें अनिवार्य योग्यता भी जो है उत्तराखंड से आपने उत्तीर्ण की हो, माध्यमिक शिक्षा, कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण और हिंदी टंकण में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होना चाहिए। नेक्स्ट देख सकते हैं, इसमें कनिष्ठ सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर के कुल जो है 232 पद हैं और इसमें योग्यता क्या मांग रहे हैं, तो इसमें योग्यता
ये परमानेंट पोस्ट है, लेवल 3 के अकॉर्डिंग सैलरी है। इसमें माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड की इंटरमीडिएट परीक्षा या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो। डाटा एंट्री ऑपरेटर या कनिष्ठ सहायक पद के लिए कंप्यूटर पर हिंदी टंकण प्रति घंटा 4000 की डिप्रेशन की न्यूनतम गति होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप देख लें, आप बहुत सारी वैकेंसी है इसमें, कनिष्ठ सहायक की है और उसके बाद जो है यहाँ पर कनिष्ठ सहायक में भी जो है अलग अलग डिपार्टमेंट के अंतर्गत है वैकेंसी, किसी में कुल पद जो है 6 हैं, किसी में 3 हैं। कंप्यूटर सहायक सह स्वागतकर्ता, तो इस ये भी परमानेंट पोस्ट है, इसमें 12th मांगा गया है। कंप्यूटर में MS ऑफिस का ज्ञान आवश्यक है और हिंदी टंकण में 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा। तो ये आप पूरा जो है वो पढ़ लेंगे, जो भी कैंडिडेट आवेदन करना चाहेंगे तो आवेदन करें। दूसरा जो नोटिफिकेशन है तो इसमें देख लेते हैं, अपर निजी सचिव के जैसे 3 पद हैं, इसमें योग्यता क्या मांग रहे हैं, परमानेंट पोस्ट है, इसमें जो है आपने ग्रेजुएशन की हो, किसी भी राज्य के कैंडिडेट हैं आप, इसमें नहीं लिखा है कि उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश से, केवल ग्रेजुएट और साथ में हिंदी व अंग्रेजी दोनों में जो है स्टेनोग्राफी में 80 शब्द प्रति मिनट और कंप्यूटर पर अंग्रेजी या हिंदी टंकण में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा। तो ये परमानेंट पोस्ट है, जो भी कैंडिडेट जिनके पास ये योग्यताएं हैं आवेदन कर सकते हैं। अब ये जो वैकेंसी है व्यक्तिक सहायक की, जिसमें केवल 2 पद हैं, इसमें आप किसी भी राज्य से आपने ग्रेजुएशन पास की हो, हिंदी और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान हो, हिंदी और अंग्रेजी आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट और कंप्यूटर में हिंदी अंग्रेजी टंकण में 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा, परमानेंट पोस्ट है, सैलरी भी काफ़ी अच्छी है इसमें, लेवल 5 के अकॉर्डिंग। एक व्यक्तिक सहायक का भी पद है जिसमें 22 पद हैं, इसमें जो है 22 वैकेंसी हैं और ये भी कैटेगरी वाइज इनको बांटा गया है, परमानेंट है ये। इसमें इन्होंने लिख दिया है कि उत्तराखंड से इंटरमीडिएट हो। उसके बाद व्यक्तिक सहायक है, ये भी परमानेंट पोस्ट है, इसमें भी उत्तराखंड से आपने किया हो। तो ये आप देख लें, बहुत सारी वैकेंसी है, ठीक है, और लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, दोनों अच्छे से पढ़ लें और जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उन सभी को देखें कैसे आवेदन करना है। एक में आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है और दूसरे में जो है वो आवेदन का प्रोसेस अभी 2 दिन के बाद से स्टार्ट हो जाएगा। ये लिंक है ऑफिशियल वेबसाइट का, www.SSSC.UK.Government.in। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वैकेंसी के साथ। थैंक यू।